करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई है। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बाई आंख में चोट के निशान दिख रहे हैं। उसकी आंख लाल है, साथ ही उसके हाथ में भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। उसके वकीलों ने दावा किया है कि चौकसी से मारपीट हुई है। उधर डोमिनिका की कैबिनेट ने मेहुल चौकसी से जुड़े मसलों पर चर्चा की है। कैबिनेट ने तय किया है कि चौकसी के बारे में अब हाईकोर्ट ही फैसला करेगा। उसके वकील ने राहत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। दो दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमिनिका में चौकसी के वकील मार्श वेन ने कहा कि सुबह उन्होंने अपनी फ्लाइट से पुलिस स्टेशन में मुलाकात की है। वकील के मुताबिक चौकसी ने आरोप लगाया कि उसे डोमिनिका में अपहरण कर लाया गया है। चौकसी ने अपने साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। चौकसी ने वकील मामले में राहत के लिए अदालत में अपील दाखिल करने वाले हैं। चौकसी को मंगलवार यानी 25 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था। एंटीगुआ मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 62 साल का चौकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे CID ने दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक वह एंटीगुआ और बारबुडा से बोट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था।